हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्रिएटिविटी। एंड देखिए, आज हमने बहुत प्यारी सी ये और बहुत इजी सी हमने ठाकुर जी के लिए पजामे बनाई है। ये मैंने 4 नंबर और 5 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाई है। देखो इसका मेज़र मैं करके दिखा दूँ। यह है ऐसे, देखिए इसकी लेंथ जो है 3.5 है। ये देखिए 3.5 है। आप मेज़र करके भी बना सकते हो और चैन काउंट करके भी बना सकते हो। ये देखिए 3.2 है। ये देखिए, यानी कि 3.25 है जिसको हम बोलते हैं। इस तरह से इसका मेज़र है और बहुत इजी है इसको बनाना। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इसमें रेड कलर दिया है इसके किनारे के में, और तो रेड कलर की ही मैंने यहाँ पे डोरी बनाई है। बहुत इजी है इसको बनाना। अगर वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 प्लाई की वूल ली है और 10 नंबर का मैं क्रोशिया ले रही हूँ। देखिए ये 10 नंबर का क्रोशिया है और ये 3.25 mm का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से देखिए यहाँ एक नॉट लगाएंगे। नॉट लगाकर हम इसको क्रोशिया हुक में ऐसे डालेंगे। ये देखिए नॉट लग गई। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। टोटल हमें यहाँ 26 चैन बनानी है और 3 उसके ऊपर बनानी है। ये देखिए 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो ये हमारी 26 हो गई है। अब नेक्स्ट में देखिए 1, 2, 3। तो 3 हमने एक्स्ट्रा ली है 26 से। तो ये जो 3 हमने एक्स्ट्रा लिया है इनको हम स्किप करेंगे और 26 में हम यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालकर, ये देखिए 1, 2, 3 हम स्किप करेंगे और 26 में क्रोशिया हुक को डालकर इस तरह से, ये देखिए डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। तो मैंने यहाँ बना लिया है डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, ये देखिए डबल क्रोशिया बनाया। उसे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे इस तरह से हमें क्या करना है, जितनी भी हमने चैन ली है हमें सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ एक एक बार सभी में डबल क्रोशिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया है। और ये देखिए, मैंने यहाँ 26 चैन ली थी और 3 चैन एक्स्ट्रा ली थी जो मैंने स्किप की थी, और वो चैन जो है ये देखिए एक डबल क्रोशिया बन रही है। तो 26 थी और 3 की ये चैन जो डबल क्रोशिया बन रही है। तो इस तरह से टोटल मिलाकर हमारे पास यहाँ पर 27 डबल क्रोशिया है। अब हमारे पास 27 डबल क्रोशिया है। तो एक रो हमारी कम्प्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो पर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए 1, 2, 2 से ही करेंगे, और 2 हमने इसलिए लिए है क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो हम मैं बनाऊँगी ये मैं हाफ़ डबल क्रोशिया बनाऊँगी, और 2 चैन जो होती है हमारी हाफ़ डबल क्रोशिया के इक्वल होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 चैन ली। तो मैंने एक यहीं पे जहाँ 2 चैन लिए उसी में मैंने, ये देखिए उसी में मैंने एक डबल क्रोशिया और हाफ़ डबल क्रोशिया बना दिया है। अब मैं नेक्स्ट में बनाऊँगी, नेक्स्ट में भी एक हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी एक हाफ़ डबल क्रोशिया, ये देखिए नेक्स्ट में हाफ़ डबल क्रोशिया। तो यहाँ देखिए मैंने कितने बना लिए, एक ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 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
तो हमारे पास टोटल हो गए
27 यानी कि 27, क्योंकि मैंने इसको एक ही बार गिना था, ये वाला गिना था, ये मैंने काउंट नहीं किया था पहले। तो इस तरह हमारे पास कितने हैं 27। अब हमें क्या करना है, सेकंड रो हो गई हमारी, थर्ड रो देखिए 1 2 2 की चैन ली, वर्क को टर्न कर लिया। अब यहाँ पे ये टोटल हमारे पास 27 है, तो 13 इधर और 13 इधर करके जो बीच का जो 14 नंबर का होगा उसमें हमें एक में दो बनाने हैं। तो ये देखिए ये हो गया, इसको एक ही बार काउंट करेंगे, ये हो गए हाफ डबल क्रोशिया। तो मैंने सबसे पहले एक बनाया, एक, नेक्स्ट में दो, दो हो गए नेक्स्ट, अब 3 4 4 हो गए हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो देखो टोटल हमारे पास 13 हो गए, और एक ये छोड़ के 13 ही अब हमारे पास इधर होंगे। तो ये जो 14 नंबर का है इसमें हम 2 टाइम्स करेंगे, एक मैंने कर दिया और एक और मैं यहीं पे करूँगी। तो ये हमारे 2 हो गए, ठीक है। अब इनको सबको एक में एक एक बार बना लेना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये लास्ट हो गए 13 हो गए, 13 इधर हो गए, 13 इधर हो गए, और बीच वाला जो था उसमें हमने एक में दो बना लिए, ठीक है। अब फोर्थ राउंड जैसे करेंगे, 1 2 2 मैंने बनाए, अब दोबारा से देखिए एक बार और यहीं पे बनाएंगे, 1 हो गया। अब नेक्स्ट में 1 1। अब ये देखिए अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे 1 2 की चैन ली और एक बार और डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पे जो लास्ट में है ना उसमें भी हम एक में दो बार बनाएंगे, और बीच में बताती हूँ क्या क्या करना है। तो मैंने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखो मैंने यहाँ पे बीच में एक में दो किए थे, तो हमारे पास हो गए 28। अब मैंने 13 इधर काउंट कर दिए हैं और 13 मैं इधर करूँगी। अब मैं यहाँ 14 पे आ गई हूँ, तो ये वाला एक ये और एक ये इधर से 14 हो गया, और ये जो दूसरा है वो इधर से 14 हो जाएगा, है ना। तो 13 इधर होंगे, 13 इधर, बीच के जो दो हैं उनमें हमें क्या करना है, एक के अंदर दो करने हैं। देखो एक मैंने कर दिया और एक और मैं कर देती हूँ, तो ये मेरे दो हो गए। तो ये मेरा 14 नंबर का था, इधर से काउंट करूँ तो ये 15 नंबर का है, 15th में भी हमें एक और एक ये दो। तो मैंने बीच के दो जो थे उनमें मैंने एक में दो दो बार कर दिया है। तो अब यहाँ पे फिर से हमारे पास 13 बच्चे हैं, देखो मैं करके दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये लास्ट 13। पर देखो मैंने क्या कहा, इसमें मैंने दो बनाए हैं और यहाँ पे मैंने दो बनाए, तो यहाँ पे भी मैं एक और बना लूँगी। ये देखिए मैंने दो बना दिए, यहाँ पे भी यहाँ पे दो बनाए, यहाँ पे दो बनाए, और दो दो मैंने बीच में बनाए। अब हमें क्या करना है, 1 2 2 की चैन ली, वर्क टर्न किया, अब हमें सभी में एक एक बार बनाना है। ये मैं मुझे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे तो हम बनाते ही हैं दोबारा जहाँ पे चैन लेते हैं, तो यहाँ बनाया, एक बार यहाँ बनाएंगे। ये देखो मैं एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ,
नेक्स्ट में भी। तो जितने भी ये हमारे डबल क्रोशिया बने हैं ना, सभी में जितने भी ये हमारे हाफ डबल क्रोशिया का है काउंट में, हमें सभी में एक एक बार बनाना है। तो यानी कि ये रो हमें ऐसे ही करनी है सिंपल, यहाँ कहीं पे घटाना नहीं है और कहीं पे भी बढ़ाना नहीं है। तो मैं कर लेती हूँ इसको, वरना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टोटल 5 राउंड बनाए हैं। एक मैंने डबल क्रोशिए से बनाया था और 4 राउंड मैंने हाफ डबल क्रोशिए के बनाए हैं। तो टोटल अब यहाँ हमारे पास कितने हो गए हैं काउंट करके देखते हैं। तो ये देखिए, एक सबसे पहले 2 की चैन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 2 ये हो गए 30। ये देखो 31, और एक ये लास्ट 32। तो टोटल हमारे पास हो गए हैं 32। 32 ये हमारे पास है डबल क्रोशिया। 32 में से अब हमें यहाँ पे हाफ ऑफ करना है। अब हमें क्या करना है, हाफ ऑफ करना है। तो यहाँ मैं 16 कर लेती हूँ, 1, 2, 1 यहीं पे करेंगे और इनको 2 काउंट करेंगे, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो ये देखिए, ये मैंने 16th कर लिए हैं डबल वो हाफ डबल क्रोशिया, और यहाँ पे 16 ही बचे हुए हैं। ठीक है ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पे 16 ही हमारे बचे हुए हैं। तो अब देखो हमें क्या करना है, ये हमने हाफ कर लिए, हाफ इधर हो गए, हाफ इधर हो गए। अब हमें वर्क को यहीं से टर्न करना है, 16 में ही हमें टर्न करना है। ये देखिए, पहले मैं यहाँ पे 2 चैन ले लेती हूँ, 1, 2, 2 हो गए। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे बनाएंगे 1, जहाँ पे चैन लेते हैं वहीं पे हम एक बार और बनाते हैं। तो ये देखिए, ये हो गए 2, 3, 4, 5। अब हम क्या करेंगे, इनको ये 16 है ना, 16 को सभी को एक एक बार हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया सभी में कर लेंगे। 16 के 16 ही रहेंगे, ना घटाने ना बढ़ाने, सभी में हमें हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है सभी चैन में। तो ये देखिए, ये हमारे पास 16 है, और हमने एक इधर से किया था, देखो यहाँ से चल के आए थे, तो ये एक रो ये हो गई, और फिर हमने वापस पलटा तो एक रो ये हो गई। तो हमने 2 रो कर ली है 16 की। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ मैंने 2 चैन बनाई हुई है, ये देखो एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये हमारे 2 चैन हो गई। अब हमें क्या करना है, यहीं पे जहाँ चैन बनाई है वहीं पे हमें एक बार और लेना है, ये देखिए इस तरह से, और ये हमने बनाया इसको, अब ऐसे ही रखेंगे इसको, ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाया। अब इसको हमने ऐसे निकाला, जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं ना वैसे हमने किया है, हमने हाफ डबल क्रोशिया नहीं बनाया इसको। अब देखो ये हमारे क्रोशिया में 3 हो गए हैं। अब तीनों को हम एक कर देंगे, तीनों को हम एक कर देंगे। तो देखिए हमारे पास ऊपर एक ये है और एक ये है, 2 होल हो गए हैं, यानी कि 3 होने चाहिए थे, 2 है, तो हमने एक जो है ये फंदा जो मतलब एक चैन जो है हमारी कम हो गई है। ठीक है ना, एक डबल क्रोशिया हमारा कम हो गया है। तो यहाँ 16 थे, अब यहाँ हमारे पास एक कम हो गया है और एक हम इधर घटाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास अब ये 14 रह जाएंगे। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ, अब हमें हाफ बनाना है, हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें पूरी रो ये करनी है, और लास्ट में फिर से हम यहाँ पे करेंगे एक कम। तो ये देखिए, सॉरी यहाँ पे मुझे ऐसे ही रखना था, ऐसे लपेटा और यहाँ पे हमने किया इसको ऐसे रखा, फिर नेक्स्ट में। अब ये लास्ट वाला है, ये देखो ये लास्ट है,
तो लास्ट में हमने ये देखो ऐसे किया और ये हमारे पास तीन हो गए। अब तीनों का एक बना दिया, तो यहाँ पे एक कम कर दिया हमने। अब देखो अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये हमें 16 ही दिखेंगे, लेकिन यहाँ चैन जो है ना, चैन वो हमारी कम हो चुकी है, 16 की जगह हमारी 14 हो गई है। ये देखो क्योंकि यहाँ तीन से एक किया और यहाँ पे भी हमने एक कम कर दिया, तो अब ये हमारी 14 हो गई। तो ये देखो यहाँ पे 1 2 वर्क को टर्न किया, और अब ये देखो यहाँ नहीं होगा हमारा, यहाँ पे होगा, हो गया फिर से ये हो गया। ये देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने सिंपल करके दिखाया है आपको कि यहाँ पे ये कम हो गया है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दोबारा से एक बार और करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट रो में आ गए हैं ना हम, तो यहाँ पे हम दोबारा से एक बार और कम करेंगे। तो देखो मैंने ये निकाल दिया है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये मैंने दो की चैन ली हुई है, ऐसे किया यहाँ पे, ये देखो ये वाला जो होल है ना, इस वाले होल में हम डालेंगे और ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब नेक्स्ट में करेंगे, तो ये देखिए ये हो गया। अब तीन से फिर एक बना देंगे, अब यहाँ तक हम करते हुए जाएंगे लास्ट तक, और लास्ट में फिर से हम एक यहाँ पे कम कर देंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया है। अब यहाँ पे ये हमारे पास 12 चैन बचेंगी, जो हाफ डबल क्रोशिया, अगर क्रोशिया को आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 14 दिखेंगे, लेकिन चैन जो है वो 12 बच जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लास्ट में एक बचा हुआ है, तो हमें इसे ऐसे ही रखना है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट ऐसे किया, ये देखो ऐसे किया और इसमें से निकाल लिया। अब तीन बचे हैं, तीनों का हमने एक कर दिया। तो ये देखो ये ना हमारी इस तरह से जाएगा, और ये देखो ये इस तरह से जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो ये देखो ये इस तरह से चला जाएगा, जैसे हम अपने जो पजामी होती है या पजामा या सलवार वगैरह, हम अपने भी कपड़े अगर स्टिच करते हैं तो देखो उनकी शेप इस तरह से होती है ना नीचे, तो इस पजामे की शेप भी ऐसे जाएगी। और ये क्यों जा रही है, क्योंकि हम यहाँ पे और यहाँ पे एक एक जो है हम कम करते जा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसीलिए ये शेप इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, तो आगे अब मैं ये वाली तो जो रो है इसको सिंपल ही बनाऊंगी, इसमें कुछ भी नहीं कम करूंगी, ऐसे ही बनाऊंगी इनको। तो ये देखिए दो हमने ले लिए, और नेक्स्ट में यहाँ पे बनाया मैंने, नेक्स्ट होल में ये हो गया, ये हो गया। अब ये पूरी रो जो है हमें ऐसे ही कर लेनी है, तो चलिए मैं कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये पूरी रो कर दी है। अब मैं यहाँ पे आपको काउंट करके दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये देखिए यहाँ पे चैन है। ठीक है ना, तो ये हमारे हो गए हैं 12, और टोटल हमारे पास अब कितने बचे हैं, 12 बचे हैं। ये 16 थे, एक बार हमने यहाँ पे दो घटाए, एक इधर और एक इधर, तो हमारे पास फिर यहाँ पे 14 बच गए। 14 में फिर हमने एक यहाँ पे और एक यहाँ पे डिक्रीज किया, तो हमारे पास 12 बच गए। तो अब ये हमारे पास 12 बचे हुए हैं, और हमारी जो है पजामे की जो लेंथ भी सही हो गई है। देखो मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए, तो ये इस तरह से हमारे पास 3.5 है, 3.5 मतलब, तो इतनी लंबाई काफ़ी है। ये हमारी 4 नंबर और 5 नंबर खाना जी के लिए है। अब हमें क्या करेंगे, सेम इसी तरह से हम इधर भी बना लेंगे, तो मैं इधर का बना लेती हूँ, आपको सेम इसी तरह से यहाँ पे बना लेना है, उसके बाद हम इसको सी लेंगे, तो मैं फिर आपको दिखाऊँगी कैसे सीलना है। अभी मैं यहाँ पर ये वाला कलर लगा देती हूँ, ये बाकी है अभी लगाना। तो ये देखिए यहाँ पर हमें ये वाला जॉइंट करना है रेड कलर, इसी से मैं एंड करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको खींच लेंगे इस तरह से, देखो ये वाला कलर मैंने इसमें जॉइंट किया, और यहाँ पे एक चैन बनानी है, एक चैन बनाई, और नेक्स्ट में यहाँ पे क्रोशिया हुक को डाला और सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर नेक्स्ट में क्रोशिया हुक को डाला और सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर नेक्स्ट में क्रोशिया हुक को डाला, सिंगल क्रोशिया बना दिया, पूरे में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमें पूरे में सिंगल क्रोशिया यहाँ बना देना है, और इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ये देखो। तो चलिए मैं इधर का भी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके।
और हमें जो है यहाँ से इसको ऐड नहीं करना है, यहाँ से हमें नेक्स्ट में से ऐड करना है, क्योंकि वरना अगर यहाँ से करेंगे तो ये इधर से हमारे 17 हो जाएंगे, तो ये 16 थे ना, तो ये भी 16 है, तो यहाँ से हमें ऐड करना है इस तरह से वूल को। ये देखिए ये हो गया ऐड। और अब यहाँ पे हम दो चैन लेंगे, दो चैन ली, यहीं पे एक बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया से हम इसलिए बना रहे हैं ये क्योंकि हाफ डबल क्रोशिया से गैप नहीं रहेगा, डबल क्रोशिया से तो छेद ज़्यादा लगते हैं, और हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे तो ठाकुर जी को ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी, इसीलिए हम ये हाफ डबल क्रोशिया से बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमें स्टार्ट करना है अपने वर्क को। अब सेम जैसे हमने ये किया था ऐसे ही मैं ये कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे दोनों साइड से कंप्लीट हो गई है और इस शेप में ये हमारी आ गई है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, ऐसे करेंगे यहाँ पे, देखो पहले इस तरह से रख कर देख लो आप यहाँ पे, ये देखिए ये हमारी पजामे की शेप आ गई है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आसन तक, देखो ये आसन है और हमने यहाँ पे इंक्रीज भी किया था क्योंकि आसन जो है ना हमारा चौड़ा होता है, तो यहाँ तक हमें सिलाई कर लेनी है। यहाँ तक पहले हम स्टिच कर लेंगे इस तरह, और मैं ये क्रोशिया से ही करूँगी, तो यहाँ तक मुझे कर लेना है, मैं क्रोशिया से ही करूँगी स्टिच, इधर से ही पहले हम कर लेते हैं, माप लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए मार्कर भी आप लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। मैं ये किया और यहाँ मैं क्रोशिया से ही सिलाई करूँगी, आप चाहो तो सुई से भी कर सकते हो, और क्रोशिया से करना चाहो तो क्रोशिया से कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से जॉइंट किया, आगे निकाला इस तरह से, जैसे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं ना, तो इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें स्टिच करना है। तो ये देखिए ये हमारा हो गया है यहाँ तक स्टिच, ये देखिए, तो ये हमारा यहाँ तक स्टिच हो गया है। अब मैं इसको कट कर दूँगी, यहाँ से कट कर देंगे, और ये देखिए इस तरह से रखा, यहाँ तक ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को, ये देखो ये दो पार्ट है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक स्टिच कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से कट कर दिया है थ्रेड, अब मेरा हाथ इधर से बैठता है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, आप जिधर से मतलब स्टार्ट करना चाहो क्या कर सकते हो, या ऐसे हमें इस तरह से हमें यहाँ पे स्टिच करना है इसको। तो देखिए यहाँ बिल्कुल रेड वाले की किनारी पे बिल्कुल यहाँ पे हम डालेंगे क्रोशिया हुक को, और इस तरह से ले लेंगे, अब नेक्स्ट में डालेंगे इसको, ऊपर दबा लेंगे और ऐसे कर देंगे। अब नेक्स्ट थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हमें डालना है, ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा कर दूर तक ले लें। तो ये देखो बारीक बारीक हमें जैसे स्टिच करते हैं हम सुई से, वैसे ही हमें लेना है, और सिंगल क्रोशिया की तरह हमें सिलाई कर देनी है इसकी। तो देखिए ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बता दिया है कि हमें किस तरह से सिलाई करनी है, बिल्कुल देखो यहाँ से अच्छे से मिला लेना है, और ऐसे करते हुए हमें यहाँ तक चले जाना है। अगर मैं पूरी सिलाई करके दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं अब सिलाई करके पूरे इसको सीधा करके फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है, और मैंने आपको टांका लगाना बता भी दिया है कैसे इसको करना है, यहाँ तक कर लेंगे। चलिए कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैंने यहाँ तक स्टिच कर दिया है इसको, ये देखिए, देखिए बहुत इजी है पजामे बनाना, इतना टफ नहीं है। और ये देखिए इस तरह से इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ पहले, तो देखिए ऐसे हमारी पजामी बनी है ये, ये देखिए। इस तरह से देखो हमारी पजामी बनी है, और यहाँ ऊपर हम डोरी डाल देंगे, रेड कलर से ही मैं डोरी बनाऊंगी, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी बांधने के लिए कान्हा जी को,
तो इस तरह से हमारी जो है वीडियो हो गई है कंप्लीट। हमारी पजामी हमने आज लड्डू गोपाल की बनाई है। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, रिलेटिव के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।